तजिंद्रपाल सिंह उर्फ बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जिथे तलवार बग्गा के सिर पर लटक रही है। मोहाली की अदालत ने गैर जमानती वरंट जारी कर दिता है कि बग्गा को गिरफ्तार करो, अदालत में पेश किया जाए। तजिंद्रपाल बग्गा की गिरफ्तारी से सियासत भख गई है। इसकी गूंज ना सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा ते दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आम आदमी पार्टी जिथे इस पूरे मामले नू कानूनी प्रक्रिया दस रही है, उते ही भाजपा सूबा सरकार ते सियासी रंजश दा सवाल खड़ा कर रही है ते कांग्रेस आम आदमी पार्टी ते पुलिस दी दुर्वरतों करन दा इल्जाम लगा रही है। अदालत दे हुक्मां तों बाद तजिंद्र बग्गा हुण अपने घर पहुंच गया है, पर पंजाब तों लैके दिल्ली तक सियासत उन्हां दे इर्द गिर्द ही घूम रही है। भाजपा के आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने बग्गा नूं गिरफ्तार करन पहुंचे डीएसपी कुलजिंदर ते नशा तस्करां नाल संबंध होण दा इल्जाम लगाया है, तां आम आदमी पार्टी ने भी सिरसा खिलाफ मोर्चा खोल दिता। भगवंत मान आके जो ड्रग और नशा खत्म करने की बात करता था, वो भगवंत मान आके इस डीएसपी को जेल में डालता। जिस डीएसपी को लगवाया किसने, मैं फिर याद करा दूं, 700 करोड़ के नशा तस्कर सरबजीत सिंह ने इस डीएसपी को लगवाया। इस डीएसपी की जुम्मे क्या लगा था काम, गैर कानूनी तरीके से लोगों को अरेस्ट करने का। आजकल वो डीएसपी क्या कर रहा है, आजकल वो गैर कानूनी तरीके से तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली आया। काम ये आ, जिन्ने भी एंटी सोशल एलिमेंट है जेड़े इलीगल काम करते आ उन्हूं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दी सरकारां प्रोटेक्शन दिंदियां, ओही इस केस च हो गया। सो इन्हां दी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन्हां ए मनजिंदर सिंह सिरसा जेड़े आ नॉट ओनली पंजाब दिल्ली दी सिख संगत दे भी गुनाहगार। उधर पीपीसीसी प्रधान राजा वड़िंग ने बग्गा मामले विच आम आदमी पार्टी ते इल्जाम लगाया कि वो पंजाब पुलिस दी दुर्वरतों कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी दा कहना है कि माहौल खराब करन वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधान दे खिलाफ गल है, वो नहीं होनी चाहिए। सो अज मैं समझना कि बहुत वड्डी जे मन सोचा जावे, जे किसी नू लगे तो बहुत वड्डी इंसल्ट पंजाब दी ते पंजाब पुलिस दी हुई है। और किरे करके हुई है, ये केजरीवाल साहब दे आपदे जिहड़े स्कोर है उन्हां नू सैट करन वास्ते हुई है। तो इदां दे जिहड़े बग्गे वर्गे लोक अज दोबारा पंजाब दी शांति खराब करना चाहुंदे आ, भंग करना चाहुंदे आ, इदां दे लोक पंजाब की मैं कहना भी देश दी जिहड़ी एकता ते अखंडता लई खतरा ने। सो इदां दे लोकां ते सख्त कार्रवाई होनी चाहीदी है तां कि जिहड़े इदां दे लोकां नू सबक जिहड़ा मिल सके। उधर हरियाणा पुलिस वालों बग्गा दी दिल्ली पुलिस नू सुपुर्दी नू लेके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच कानूनी जंग चल रही है। दिल्ली अते हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिता है। उधर पंजाब सरकार ने बग्गा मामले विच अदालत दे सामने दो मंगा रखियां ने, जिस ते मंगलवार नू हुण सुनवाई होवेगी। फिलहाल अज दोवे ही सूबियां ने पंजाब ते हरियाणा ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच हलफनामा दायर कर दिता है, जिस दी सुनवाई आउंदे मंगलवार नू होवेगी। हुण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बग्गे नूं गिरफ्तार दे के या गिरफ्तारी दे हुक्म दे के आम आदमी पार्टी नूं सहजे कर दिए या फिर बग्गे दी गिरफ्तारी ते रोक लगा के बग्गे नूं राहत दिंदी है, इह तां आउण वाला समां ही दसेगा। कैमरामैन विकास दे नाल मैं रुचि यादव, राजस्थानी दिल्ली। तजिंद्र बग्गा की गिरफ्तारी लेके पंजाब की सियासत भखी हुई है। पंजाब सरकार सवालों के घेरे में, जिला संगरूर विच पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान के घर के सामने भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने प्रदर्शन किया। इस मौके हालात तनावपूर्ण देखते हुए बड़ी गिनती में पुलिस बल तैनात किया गया। भी साढ़े भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव नूं सवेरे पग बन्नण दा समां ना दित्ता, उन्हां नूं घसीड के पंजाब विच लियाउण दी कोशिश करी है, तां उह भारतीय जनता युवा मोर्चा दे कार्यकर्ता नूं डराउण दी कोशिश करदे आ। भारतीय जनता युवा मोर्चे दा कार्यकर्ता ना कदी डरिया ना कदी डरेगा।